रुपए में कमजोरी से बड़ी परेशानी, इस कारोबारी हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपए में 161 पैसे की गिरावट। बता दें कि रुपए की यह कमजोरी निर्यातक समुदाय के लिए अच्छा होता है क्योंकि उन्हें डॉलर के भाव में भुगतान करना होता है। रुपए की इस गिरावट का खामियाजा आम जनता को इसलिए भुगतना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते कच्चा तेल यानी क्रूड का फायदा उन्हें पूरा नहीं मिल सकेगा। देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,45,000 केस आए सामने, लगभग 800 लोगों की मौत। इस साल जनवरी माह में शुरू किए गए वैक्सीनेशन के अभियान के तहत अब तक देश में कुल 9,80,75,160 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। हालांकि महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों से वैक्सीन की मांग की गई है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की बैठक, पूर्वी लद्दाख में बाकी इलाकों में जवानों की वापसी पर चर्चा। बता दें कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में हार्ट स्प्रिंग, गोगरा और देवसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई PGK मेनन ने की। 11 से 14 अप्रैल तक मनेगा टीका उत्सव, मुख्यमंत्री योगी ने किया टीका लगवाने का आह्वान। प्रदेश में 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यह आह्वान कोरोना संक्रमण की स्थितियों की समीक्षा के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फंदे पर झूलते हुए मिले महिला समेत दो लोगों के शव। बता दें कि मिर्जापुर जनपद के दो अलग अलग स्थानों पर महिला समेत दो लोगों का शव गुरुवार की रात अबूझाल में फांसी के फंदे पर झूलते हुए पाया गया। मौत का कारण दहेज हत्या व पारिवारिक कलह होना बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों से पूछताछ करने के लिए उठाया है। भाजपा के पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता की कोरोना से मौत, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में थे भर्ती। बता दें कि प्रयागराज के प्रतिष्ठित कारोबारी पूर्व सांसद और पूर्व नगर प्रमुख श्यामाचरण गुप्ता का बीती रात नई दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित श्यामाचरण को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली ले जाया गया था, वहाँ भी उनकी हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई थी। शुक्रवार शाम स्थिति गंभीर होने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। रात 12 बजे श्यामाचरण ने अंतिम सांस ली। चुनाव आयोग ने नेताओं से कहा कोरोना निर्देशों का पालन करें, प्रचार में मास्क नहीं पहनने पर टोका। बता दें कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर ये बात कही है। चुनाव आयोग की ओर से लिखे पत्र में स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं या प्रत्याशियों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण की भावी योजनाओं को लेकर आज अहम बैठक। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव में भराई का कार्य आरंभ हो चुका है। माना जा रहा है कि अगले 3 माह में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज की बैठक में आगे के काम तैयारी की समीक्षा करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में प्रवेश बंद, अब होंगे झांकी दर्शन। बता दें कि वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है और झांकी दर्शन का इंतजाम किया गया है। COVID-19 की दूसरी लहर को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल, कहा सरकार की असफल नीतियां हैं जिम्मेवार। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा उठाया और सरकार से उनकी आर्थिक स्थिति संभालने की अपील की।